पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए और टीवी सीरियल से इंडिया में पॉपुलर हुए फवाद खान अब अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं विद खूबसूरत ऑपोजिट सोनम कपूर। सो व्हाट्स हिज गेम प्लान इन बॉलीवुड, ये बताने के लिए खुद फवाद आज आए हैं बिजनेस ऑफ बॉलीवुड पर। हाय फवाद, वेलकम टू बिजनेस ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो खूबसूरत, अ फिल्म whose main character is a woman. Mm-hmm. So why did you choose this film as your debut film? I think I really don't see the issue there when it's made, you know, how big people make it. Okay, mm-hmm. It's a woman centric film hai ya male centric film hai. Maine jo zyada tar kaam pehle bhi kiya hai, that's it's revolved a lot around females, like even in Pakistan a lot of the content is right. women centric. So television really worked out for you, and of course aap already India mein kafi famous aur recognized ho because of television again. Am I? So do you think that you know, that this effort that's being put into Pakistani serials now being in India, do you think they're bridging the gap between India and Pakistan? I think it's playing a mujhe lagta hai ki ek acha, it's playing a very good role, mm-hmm. In exposing, in allowing people to see what's actually going on the other side of the fence. Right. I always used to say, mujhe aisa lagta tha ki log shayad perceive karte hain ki Pakistan mein jaise wahan pe jo na log, you know, janwaron ko zibah karke aag pe lagate hain, roast karte hain aur patte bandh ke jo na naach rahe hote hain. And I was like, nahi aisa koi nahi. But I'm serious, matlab itna wo, you'd be surprised a couple of years ago. I mean, that's, it's not literally how people would perceive it, right, but right. that's how cut off the world seemed to be from it. Fawad, agar Pakistan ki baat kare to, while you were growing up, kya aap Hindi films wahan par dekhte the? Were they easily available to see, and what films did you grow up watching? Us zamane mein VHS tapes hoti thi, used to have, you know, VCRs hote the, and filme rent karke laate the, वापस करते थे तो फिर नई फिल्में मिलती थी, तो मैंने जो है एक आध फिल्में और, यू नो, मतलब जो भी मिलता था देखने को, एंड अ कपल ऑफ लाइक जस्ट मे बी वन और टू सुपर हीरो फिल्म्स, वो मैंने मार के रख लिया अपनी अलमारी में ना, तकियों के नीचे दबा दी हैं। और मुझे याद है कि मिस्टर इंडिया एक फिल्म थी जिसको बार बार देखता था, एंड अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी, मिस्टर नटवरलाल, दौर दो पांच, सत्ते पे सत्ता। तो आपने सत्ते पे सत्ता तो VHS में देखे हैं। ज्यादातर फिल्में VHS में देखी हैं। कितना क्रूशियल है आपके लिए खूबसूरत का बॉक्स ऑफिस सक्सेस, स्पेशली बिकॉज़ यू ऑलरेडी हिट, यू नो, ऑन द स्मॉल स्क्रीन? तो मैं ये एक बात एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई 100 करोड़ की, यू नो, क्लब को हिट कर जाए, या इवन लाइक 50 करोड़ जो है क्रॉस करिए, कोई ऐसा मैं फिगर्स नहीं देख रहा। राइट, मैं चाहता हूँ कि हाँ, प्रोड्यूसर का पैसा उसको वापस मिले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाए, थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, लोगों को काम पसंद आ जाए, या लोगों को जो जो अंदाज है एक्टिंग का वो पसंद आ जाए। लेकिन क्या आपका स्टेटस पाकिस्तान में चेंज होगा इफ खूबसूरत बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस इन बॉलीवुड? आई थिंक पाकिस्तान में एज एन एक्टर मुझे जस्ट बिकॉज इट्स अ बॉलीवुड फिल्म, मुझे उसका इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आता, मतलब उस लिहाज से अगर देखा जाए। हाँ, इफ अ फिल्म डज वेल, तो एज यू गो इनटू डिफरेंट टेरिटरीज, यस ऑब्वियसली। तो लॉलीवुड और बॉलीवुड में कितना फर्क दिखता है आपको? फिलहाल तो कहना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है, कोई कंपैरिजन करना भी मेरे लिए अनफेयर होगा। उसकी वजह यह है कि 2008 में जिसको हम रिवाइवलिज्म सिनेमा कह रहे थे, जिसको मैं रिवाइवलिज्म इसलिए समझता नहीं हूँ क्योंकि एक फिल्म की बिना पर आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री की शिनाख्त या आइडेंटिटी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, और वो हुई तो मतलब इट, उसको बड़ा बहुत इज्जत मिली, इट वाज वेलकम रियली वेल, रिसीव्ड रियली वेल, बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला, लेकिन एक फिल्म थी। अब पिछले साल जो है आई फील कि एकदम से जो है ना एक रेला आया है फिल्मों का, रेला मीन्स कि मतलब एक तरह से ना एक वो गाड़ियाँ साथ में जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है आनी शुरू हुई हैं, एंड अब एकदम से होना शुरू हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को भी समझ आनी शुरू हुई है कि पिछले साल शायद जहाँ पे 5 करोड़ एक बहुत एक्सपेंसिव फिल्म समझी जा रही थी, अब वहाँ पे इस साल जो है 35 से 40 करोड़ लगाया जा रहा है। सो अभी कहना कि यार हाँ, बॉलीवुड और लॉलीवुड के दरमियान क्या फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फ़र्क तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का है, द फाइनेंसियर
इज गेटिंग एजुकेटेड, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता अकल आनी शुरू हुई है कि यार यहाँ पे भी एक एवेन्यू है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऑल्सो अगर पाकिस्तानी कंटेंट के बारे में बात करें, वेदर इट्स टेलीविजन और फिल्म्स, हाउ वेल डू यू थिंक इंडियन ऑडियंसेस रिसीव देम? As far as what I'm getting to hear about television, jitne logon ne dekha hai, unhone appreciate zarur kiya hai. Matlab for them, it's been like, yeah, it's a breath of fresh air. Right. I think uski ek bahut badi wajah ye bhi hai ki yahan par television ke upar soap opera format chalta hai. Yeah. Wahan par kyunki television forefront pe raha, to uske andar bahut sare formats nikal aaye, bahut sari categories nikal aayi. सोप ऑपरा वहाँ पे भी चलता है, वहाँ पे भी 500 एपिसोड होते हैं, 1000 एपिसोड होते हैं, जिसमें यू नो एक सेकंड के अंदर जो है ना एक बंदा अपना मास्क उतारता है, इज लाइक रीबॉर्न. सो आई थिंक वो कंटेंट यहाँ पे बहुत खुशी से रिसीव किया गया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी आर रियली वेटिंग फॉर खूबसूरत टू रिलीज. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.